गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्कल द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। देखिए, आपको क्या करना है? सर्कल करना है इन दोनों नंबर्स में से जो आपका ग्रेटर हो। अब ग्रेटर का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए मुझे, ग्रेटर का मतलब क्या होता है? बड़ा। आपको इन दोनों नंबर में से देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और उस पर क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग करेंगे ना मेरे साथ? चलिए पढ़ते हैं हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, 7, इसको नंबर को पढ़िए, क्या बोलेंगे इस नंबर को? 7077। क्या बोलेंगे हम इस नंबर को? 7077। एंड ये वाला नंबर को हम क्या बोलेंगे? 7007। तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, किसी को पता है? बताइए मुझे, किसको पता है इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है? बताइए, 7077 या फिर 7007, कौन सा नंबर बड़ा है? नहीं पता? चलिए अब बताते हैं कि हम ये कैसे देखें इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, अपना फर्स्ट नंबर देखिए, इसका क्या है? 7। इसका क्या है? 7। तो दोनों बराबर हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे, क्या है? 0। इसका क्या है? 0। ये भी सेम है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं, इसका क्या है? 7। इसका क्या है? 0। ये तो अलग अलग हो गया। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें देखना होगा 7 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है, बताइए। 7। तो इसका मतलब क्या है? ये वाला नंबर आपका बड़ा है। हमने क्या कर दिया इस पे? सर्कल। समझ गए? कर लोगे बाकी के दोनों क्वेश्चन? बस इन दोनों में से पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, उस पर कर देना है सर्कल। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन को करें। चलिए बच्चों, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है? सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। जैसे अभी हमने क्या किया था, दो नंबर में से पहचाना था कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब हमें इसमें से क्या करना है, हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें पहचानना है कि कौन सा नंबर छोटा है। ठीक, एग्जाम्पल में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखे हुए हैं और क्या कर दिया इन्होंने, इस वाले नंबर पे सर्कल कर दिया क्योंकि इन तीनों में से ये नंबर है छोटा। हमें भी ऐसे ही करना है। तो इसका भी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दूंगी और दो क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा। ठीक, पहले नंबर को पढ़ लेते हैं। नंबर क्या है आपका, पढ़िए, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000। क्या बोलेंगे? 98745। इसको क्या बोलेंगे? 95487। और इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? 94578। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को देखेंगे और पहचानेंगे कि इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक, तो वैसे ही जैसे अभी हमने किया था, फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, क्या है? 9। इसका भी 9, इसका भी 9, तो तीनों तीनों सेम हो गए ना। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, 8, 5, 4। तो पहले इन दोनों में बताइए, 8, 5, कौन सा नंबर छोटा है, 8 या 5? बोलिए, 8 छोटा है या 5? 5। तो ये तो गया, ये बड़ा हो गया। हमें तो छोटा नंबर बताना है ना? अब हम इन दोनों में से बताएंगे, 5 छोटा है या 4? बोलिए, 5 छोटा है या 4? 4। तो आपका सबसे छोटा नंबर क्या हो गया? 4। ठीक,
समझ गए कैसे देखना है? कर लोगे बाकी के दोनों क्वेश्चन? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड थर्ड क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? कंपेयर द गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड स्टेट विच इज ग्रेटर और लेसर इन ईच पेयर। आपको क्या करना है? कंपेयर करने हैं नंबर्स को और ग्रेटर एंड लेसर का साइन लगाना है। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर को पहचानेंगे और जो नंबर बड़ा होगा हम उसकी साइड साइन को लगा देंगे। ठीक, चलिए देखिए आपका ये वाला नंबर क्या है, 3068। पढ़िए इसको क्या बोलेंगे, 3068। इसको क्या बोलेंगे, 3009। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 3068 या 3009? बोलिए कौन सा नंबर बड़ा है, 3068। तो हम क्या करेंगे, किसका साइन लगा देंगे, ग्रेटर का। यानी कि ये जो हमारा उल्टा बी है ना, वी ऐसे बनता है उल्टा बी, तो उल्टा बी हमको यहाँ बना देना है। जो नंबर आपका बड़ा हो वहाँ पर आप ये वाला साइन यानी कि उल्टा बी बना दीजिए, तो आपका कंपेयर आसानी से हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है, 5834 and 979। कौन सा नंबर है आपका बड़ा, ये, क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, 4 डिजिट वाला बड़ा होता है, तो हम अपना उल्टा भी यहाँ पर बना देंगे। ठीक, कर लोगे बाकी के आप क्वेश्चंस? दो मैंने बता दिए हैं, कंपेयर करिए और जो नंबर आपका बड़ा हो वहाँ पर आप उल्टा भी बना दीजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अब हम 4 और 5 दोनों क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर समझेंगे, क्योंकि हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम बुक पे तो नहीं कर सकते, इसलिए हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ऑर्डर हम अपनी नोटबुक पर समझेंगे। चलिए समझते हैं बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आप लोग को पता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा छोटे नंबर से बड़े नंबर का ऑर्डर। यानी कि हमको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा। इसी ऑर्डर को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, समझ गए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो एक बार हम इन नंबर्स को पढ़ लेते हैं। क्या है ये नंबर, पढ़िए मेरे साथ, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो 30,303, इसको बोलिए 30,003। फिर इसको क्या बोलेंगे, 33,003। इसको 33,300। तो हमें इन नंबर्स को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को पहचानेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक, तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो सारा फर्स्ट नंबर आपका सेम है। सेकंड नंबर देखिए क्या है, 0, क्या है, 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 3 बड़ा होता है या फिर 0, 3, तो हमें तो बड़े नंबर से मतलब नहीं है, हमें तो छोटे नंबर से मतलब है ना, तो हम किसको देखेंगे, 0 को। तो इन दोनों को देखेंगे सबसे पहले, 0 0 सेम है। थर्ड नंबर देखते हैं क्या है, 3, फिर क्या है, 0, तो 3 छोटा होता है या फिर 0, 0, तो आपका सबसे छोटा नंबर क्या होगा बच्चों, 30,003। लिख दीजिए यहाँ पर 30,003। ठीक, अब ये हो गया, तो उसको कर देंगे हम क्रॉस। अब हमारे पास 3 नंबर बचे हैं, अब हमें इन तीनों में से पहचानना है कि छोटा नंबर हमारा क्या है। तो
तो अभी हमने इन दोनों को बोला था, ज़ीरो था हमारा सेकंड नंबर, है ना। तो अब इन दोनों में सेकंड नंबर 3 है और बचा है हमारे पास सेकंड नंबर 0, तो ये भी छोटा हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे, इन तीनों में से छोटा नंबर हमारा क्या हो गया, ये लिख दीजिए 30,303। ये भी हो गया। अब हमारे पास बचे हैं ये दोनों नंबर, क्योंकि इनके सेकंड नंबर सेम हैं, तो इनको भी हम थर्ड नंबर से देखेंगे। थर्ड नंबर क्या है इनका, 0 और 3। तो क्या छोटा है, 0 या 3? 0। तो अब आपका आएगा ये वाला नंबर, देखिए 33,003। अब बचा है ये, तो लास्ट में ये आ जाएगा 33,300। तो हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर। समझ गए कैसे करना है, नंबर्स को पहचानना है कि कौन सा नंबर छोटा है और उसको लिख देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं एंड अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसी का उल्टा, यानी कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा नंबर लिखना होगा। ठीक, तो वही करेंगे, पहले नंबर को पहचानेंगे। तो फर्स्ट नंबर देखिए आपका क्या है, 8, इसका क्या है 6, इसका क्या है 6, इसका क्या है 8। तो 6 6 सेम है और 8 8 सेम है, तो 6 बड़ा होता है या फिर 8 8। तो अब हमें मतलब है एक इस वाले नंबर से और इस वाले नंबर से, तो इन दोनों का फर्स्ट नंबर सेम है। सेकंड नंबर देखते हैं क्या है, 9, इसके बाद क्या है 0। तो 9 बड़ा होगा या फिर 0? 9। तो फर्स्ट आपका जो बड़ा नंबर है वो है ये, सेकंड ये। तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद इसको लिखिए। पहले हम इसको लिखेंगे 8 9 0 6 4, उसके बाद हम इसको लिखेंगे 8 00 00। ठीक, उसके बाद हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों के फर्स्ट नंबर सेम है। सेकंड नंबर देखते हैं, इसका है 0, इसका है 4, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 0 या फिर 4? 4। तो अब आएगा ये, फिर उसके बाद ये, 64098। ठीक, लास्ट में ये बचा है, तो ये आएगा 60489। हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ में आ गए आपको दोनों क्वेश्चन 4 और 5। ठीक, तो बच्चों आज मैंने आपको मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि 1 to 5 क्वेश्चन समझाए थे, आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 1 to 5 क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। ओके, अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।